नमस्कार दोस्तों, कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी के दिन आंवला नौमी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनती हैं और आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं। पेड़ को दूध चढ़ाकर सफेद या लाल मोली के धागे से आंवले के पेड़ की 8 या 108 बार परिक्रमा करती हैं, फिर साथ में बैठकर कथा सुनती हैं और पेड़ के पास ही भोजन करती हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आंवला नौमी का व्रत औरतें संतान प्राप्ति और परिवार की सुख शांति के लिए करती हैं। तो आइए दोस्तों, आंवला नौमी की कथा की ओर चलते हैं। एक सेठ सेठानी थे, उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। सेठ सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पास इतना सोना चांदी और रुपए पैसा था कि उनके समेटने और रखने के लिए कई नौकर चाकर थे और वे भी धन को गिनने की बजाय तराजू में तोल कर रखते थे। सेठानी जी का एक नियम था, वे रोज सुबह पूजा करके सोने का आंवला दान देती थी, उसके बाद ही खाना खाती थी। इस तरह सेठ सेठानी आराम से रहते थे। पर एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने सोचा, यदि माँ साहब रोज इसी तरह एक सोने का आंवला दान देती रहेंगी तो कुछ ही नहीं बचेगा हमारे पास। और सब बहुओं ने मिलकर सासू जी से कहा कि वे सोने के आंवले की जगह सदा एक सादा आंवला दान करें और खाना खा लिया करें। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। पर कुछ दिन बाद उनकी बहुओं को सेठानी जी का सादा आंवला दान करना भी अखरने लगा और वे सासू जी को आंवला दान देने से मना करने लगी। तो सेठ जी और सेठानी जी बहुत दुखी हो गए और वे अपना घर छोड़कर निकल गए। सेठ जी सेठानी जी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं और उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं दिया था, जिस कारण उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। सेठानी जी और सेठ जी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह उठकर वह देखते हैं कि जहां वह सोए थे वहां भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है। सेठानी जी ने उस आंवले के पेड़ में से एक आंवला तोड़कर दान करा और फिर खाना खा लिया और वे दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लग जाता है और वापस उनके पास खूब धन दौलत आ जाती है और सेठानी जी फिर से रोज एक सोने का आंवला दान करने लग जाती हैं। इधर सेठ जी और सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे और बहुओं में आपस में झगड़ा होने लगता है और इस कारण उनके व्यापार में घाटा होने लगता है और सारी पूंजी खत्म हो जाती है। उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से निकलना पड़ता है। वह घूमते घूमते काम की तलाश में वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। वहां उन्हें सेठानी के सोने का आंवला दान करने की बात पता चलती है तो वह एक बार अपने मन में सोचते हैं, कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं। पर फिर सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास कुछ भी नहीं था, वे कैसे हो सकते हैं। एक दिन वे सेठ जी को देख लेते हैं और उनके पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं, हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे और हमने आपको घर से निकाल दिया, जबकि उस घर में सब कुछ आपकी ही किस्मत का था। सेठ जी ने अपने सभी बेटों को माफ कर दिया और सेठ जी और सेठानी जी अपने सभी बेटे बहुओं के साथ रहने लगे।